सो सिटी ऑफ ड्रीम्स एक पॉलिटिकल ड्रामा है और ये पहले ही हॉटस्टार पर आ चुकी है 3rd of May को, सारे 10 के 10 एपिसोड. सो प्लीज़ जल्दी से जाइए और पहले सारे 10 एपिसोड देखिए. ये तो मैं पहली दरख्वास्त करूँगी आप सबसे. सिटी ऑफ ड्रीम्स एक पॉलिटिकल ड्रामा है. एक भाई बहन का वॉर है अपने पिता की कुर्सी के लिए. और सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारे लेयर्स है इसमें. हर एक किरदार के बहुत सारे लेयर्स हैं. पहले जो एकदम हाउसवाइफ लगने वाली लड़की है वो आगे जाके बदलती है, जो कि मेरा किरदार है पूर्णिमा गायकवाड़ का. उसे लगता है कि आज तक उसे लाइफ में वो कितनी भी काबिल क्यों ना हो, बस वो सिर्फ एक लड़की है, उस वजह से उसको बहुत सारी चीज़ें मिली नहीं हैं. और एक वक्त आता है उसकी ज़िंदगी में जब उसे ये डिसाइड करना पड़ता है कि अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे कुछ रास्ता चुनना पड़ेगा. और फिर उसका उसकी क्या जर्नी होती है, ये है सिटी ऑफ ड्रीम्स. इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग ट्रैक्स हैं. हर कोई जो बम्बई में सपना देखने आता है, और ये शहर सपनों का शहर कह के हम बुलाते हैं, इस सपनों के शहर में हर एक कॉमन मैन की भी एक स्टोरी होती है. वो क्या होती है, ये भी सिटी ऑफ ड्रीम्स है. नहीं, मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट फॉलो किया. मैंने किसी एक पॉलिटिशियन को फॉलो नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर वो हमारे किरदार से थोड़ा अलग हो जाता अगर मैं उनको कुछ फॉलो करती तो. लेकिन दो चीज़ें मैंने ज़रूर की. एक तो मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस की जो स्पीच थी वो सुनी, कि वो कैसे स्पीच देते हैं अगर पब्लिक में पब्लिक एड्रेस कर रहे हैं वो, तो वो कैसे एड्रेस करते हैं वो. लेकिन मैंने किसी एक का नहीं देखा, मैंने बहुत सारे लोगों का देखा, क्योंकि हर एक का कुछ अच्छा, हर एक का कुछ अलग अलग कुछ न्यूआंस रहते हैं. दूसरी चीज़ मैंने ये की, मैंने बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोज़ हैं जो आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में सिखाते हैं, वो मैंने ज़रूर देखी. कि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और अगर आप किसी लोगों से मिलने जा रहे हैं, अगर आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं या पब्लिक रैली के लिए जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी बॉडी लैंग्वेज क्या इम्पैक्ट देगी, उसका क्या मतलब निकलता है, ये सब मैंने स्टडी किया था. और वो मैंने ध्यान में रखा सिर्फ. मैंने ऐसे कुछ, मतलब मुझे अभी ये करना है, ऐसे कोई 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स नहीं निकाले थे. लेकिन मैंने बैक ऑफ द माइंड वो सब याद रखा जब मैं सेट पे किरदार एक्चुअल प्ले करने के लिए गई. ये बहुत ही टफ था. इट वॉज एब्सोल्युटली नॉट ईजी, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई एम एज अ पर्सन. और कुछ ऐसी चीज़ जो आपके आसपास भी नहीं है, आप बिल्कुल उससे रिलेट नहीं कर सकते. आपने ऐसी कुछ ऐसे किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में देखा भी नहीं है, और वो आपको खुद पोर्ट्रे करना है, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. सो मैंने 3-4 महीनों का जो हमारा शूटिंग का स्पैन था, उसमें मैंने बहुत खुद को समझाया था, कंट्रोल किया था, क्योंकि मुझे लगता है जो पूर्णिमा गायकवाड़ में जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, उसमें जो एक पीस है, उसमें जो एक ठहराव है, वो मुझे खुद में लाना था. एंड आई वर्क्ड फॉर दैट, एंड दैट्स व्हाई इट वाज वेरी डिफिकल्ट. एंटरटेनमेंट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट. साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव देना ना भूलें.